मॉर्निंग ऑल, आज हम जा रहे हैं बाइक ट्रिप पे। CB200X हमारे साथ रहेगी, आएंगे ताजपुर का राइड है। आज ये होंडा का राइड है, जैसे हम भी आज संडे था तो हमारा भी कोई प्लान अलग ही था। रेडी होने के साथ साथ ही अब देखते हैं आगे हमारा सफर कैसा रहता है। अभी कंफ्यूजन है रास्ता का, तो यू टर्न सब लेते हुए जैसे हम लोग रास्ता कंफ्यूज हो गए थे, और एक जगह हमने स्टॉपेज लिया। बाइकर्स है हमारे, फेस देखिए, बाप रे बाप, देखिए बस ये स्माइल देखिए बस। और ये सेकंड स्टॉपेज हमने लिया है, देखिए यहाँ पर कचौड़ी खाने के लिए। ठीक है, सारी बाइकें खड़ी हैं हमारी एडिशन की CB200X। स्टॉपेज ले लेके जाएंगे और आराम से जाएंगे। आप कुछ खाना पीना हो जाए, यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ से और 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर ऐसे 100 किलोमीटर कम आए। आप नहीं चलाएंगे पीछे बैठना अच्छा लगता है। देखिए अब इनको पीछे बैठना अच्छा लगता है कि इनको चलाना नहीं आता। ये है अमित ठाकुर, जिसने 50,000 में पल्सर खरीदा है। पल्सर खरीद के बाद और 55,000 में खरीदा है, उसके बाद घर पे शोकेस में रखा है। कब चलाइएगा? मन नहीं है, पाँव में चोट लगा, पाँव में चोट लगा। ये राइड करने के लिए है। सूट क्या है और शादी के बाद क्या हाल हो गया? ये क्या निकल रहा है? ये वॉट इज दिस? शादी के बाद 100 किलोमीटर अभी बने रही है ताजपुर पहुँच के। और भी मज़ा आएगा क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप नहीं है और इसी से ब्लॉग हो रहा है, तो बस कुछ नहीं कर सकते इस पर क्योंकि मोटो ब्लॉग जितना हेलमेट में जो माउंट वाउंट था वो सब टूट गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। तो बस यही है ग्रुप, ये है लाइनअप। 75 किलोमीटर कवर कर चुके हैं विद इन 1 hour 10 minutes। रात भर से हम लोग सोए नहीं हैं और ये लड़का जो हमको सोने नहीं दिया है, जिसका नाम है क्रेश ड्राइवर, नहीं आ रहे थे, बोला बारिश हो रहा है, बहाना बना रहे थे। जो सेकंड स्टॉपेज हमने लिया धूलागढ़ के बाद नंद कुमार हाईवे दिल्ली रोड का साइड, और एक आपका जाता है मंदारमनी दीघा। एक होटल मिला हमें खाने के लिए, एक स्पेस मिल गया हम लोग को बाइक पार्क करने के लिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने के लिए।
देखिए यहाँ पे सारी बाइकें हमारी पार्क हो चुकी हैं। नितेश गर्मी लग रहा है भाई? नहीं लग रहा, मौसम तो अच्छा है। जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, माँ का एक मंदिर भी है, जय काली माँ। बहुत ही हैवी रेन होने वाला है। मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, लूची खा लिया, कचौड़ी। अब निकलेंगे काजपुर की ओर, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अच्छा लग रहा है खा के सबको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वेदर और एनवायरनमेंट देखिए, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है। हाँ ये हमारे भाई बता रहे हैं कि यहाँ के राजा रह चुके हैं, शक्ल से तो देख के रखता नहीं है। कदम रखते हवा उड़ रहा है। और हम भी आ गए, आज संडे के दिन फ्री थे, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ काम तो था नहीं। सोचे कि आज चलिए एक ग्रुप प्लान बन ही गया है तो एक राइड तो बनता ही था। ताजपुर कब पहुँचेंगे हम लोग, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, राइड करते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। और हमारे साथ भी कभी जुड़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। है अलग ही एक मज़ा है, अलग ही एक ठंडक है, अच्छा लग रहा है। बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके नहीं तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है फ्यूचर में। ये मैं ऐसा मतलब एक नॉर्मल लॉजिक एक माइंड ऑफ थॉट था मेरा जो मैंने शेयर किया। अब मुझे लगा कि ये इनिशिएटिव देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मैं करूँगा तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि और भी मेरे जो फ्रेंड है, मेरे व्यूवर्स है, वो भी एक प्लान करके लगाए। और कहीं ना कहीं ये सही में बहुत ही एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। अंदर में लाइब्रेरी है, देखिए स्कूल गेम है, बहुत ही पुराना गेम है। राजबाड़ी में आपको अंदर से हम लोग छुपके छुपके से दिखा रहे हैं। प्राइवेट अब डाइनिंग भी रूम है, रुक भी सकते हैं। इस राजबाड़ी के अंदर गए थे। इस राजबाड़ी का नाम है महिषादल राजबाड़ी। अंदर में जानवरों का खाल जो होता है, खाल का मैट मिलेगा। पिछले ज़माने में राजा कैसे रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, इनका डाइनिंग भी परफेक्ट। एक दिन का स्टे भी कर सकते हैं, बुकिंग भी होती है। एक दिन का आप स्टे करते हैं तो रूम का आपका 6,000 लगता है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अंदर में जैसे मैंने देखा शेर का खाल, तलवारें बहुत सारी उस ज़माने में जो राजाओं के पास रहती थी, भाला जो जिससे शिकार किया जाता था जानवरों का, वो सब भी था। शेर था, भालू था, डियर, बारहसिंघा, बफेलो, चमड़ा है उससे उन्होंने पूरा आंकड़ा बनाया है। लेकिन वो रियल है। महिषादल राजबाड़ी आप सर्च भी कर सकते हैं, कोलकाता से ऑलमोस्ट 80-100 किलोमीटर दूर होगा, आ सकते हैं। अच्छा स्टे भी कर सकते हैं चाहे तो। अच्छा था देखने में, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो अभी ताजपुर जा रहे हैं और ताजपुर के राइड पे ये हमें देखने को मिला तो अच्छा एक एक्सपीरियंस था। यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। बताना चाहूँगा कि पहले से प्री बुकिंग भी करनी पड़ती है। नाइस टॉकिंग टू यू दिस गाइस, थैंक यू अंकल, थैंक यू। अंकल ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत ही अच्छा लगता है जब अंकल लोग सपोर्ट करता है। थैंक यू अंकल, वंस अगेन थैंक यू। अच्छा लगा, हमारे कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर मिल ही जाते हैं गाइस, अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है। राजबाड़ी तो देख लिया अभी, चलिए अब ताजपुर देखते हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, वेदर के मामले में तो यहाँ पर बोलना ही नहीं है। आइए मज़ा कीजिए और बता रहे हैं, रुक के जाइए राजबाड़ी में, राजबाड़ी वाला फील होगा राजा।